मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में खेल के प्रति सरकार द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय पर एक स्कूल में राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले आयुष पहलवान को 2 पीरियड तक धूप में खड़ा किया और स्कूल से भी निकाल दिया गया। ये कैसा सम्मान है। जिला मुख्यालय के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के प्रिंसिपल के द्वारा जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध बजरंग व्यायामशाला प्रशिक्षण ले रहे आयुष पहलवान द्वारा आदिम जाति विकास विभाग द्वारा रतलाम के शिवगढ़ में आयोजित संभाग व राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाकर बड़वानी सहित मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है। वहीं गोल्ड मेडल लेने वाले पहलवान को स्कूल प्रिंसिपल इकबाल आदिल द्वारा अभद्र व्यवहार कर स्कूल से निकाल दिया था। बाद में वापस लेने के बाद 2 पीरियड तक बाहर धूप में खड़ा किया। भोपाल कुश्ती स्पर्धा में जाने हेतु डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी नहीं की, जिसके कारण आयुष को परेशान किया गया। आहत होकर अपने परिजनों व बजरंग व्यायामशाला के वरिष्ठों को प्रताड़ना से अवगत कराया। बजरंग व्यायामशाला के अध्यक्ष महेश जाधव व अन्य पहलवानों द्वारा सहायक आयुक्त विवेक पांडे को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के प्रिंसिपल के अभद्र व्यवहार की शिकायत कर हटाने की मांग की। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आयुष कुमावत, मैं क्रमांक 2 का छात्र हूँ। मैं विभागीय शालेय राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में रतलाम में आयोजित थी, जिसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला। मैं वहाँ से जीत के आया और मुझे वहाँ पर सरों ने बताया कि ये साइन प्रिंसिपल की साइन नहीं है इसमें, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, तो साइन करवा के लाने का कहा था। तो फिर मैंने एक दिन का रेस्ट लिया, तो मेरा नाम, फिर मैं स्कूल गया तो मेरा नाम काट दिया गया। और उसके बाद और अभी साइन करवाने गया था तो उन्होंने साइन नहीं करके दी थी। फिर मैंने जिला खेल अधिकारी की साइन करवाई और मुझे नाम काट के 3 पीरियड बाहर खड़ा रखा। नाम है आपका? आयुष के साथ क्या गलत किया गया है स्कूल में? आयुष को जो क्या है कि हमारे श्री बजरंग व्यायामशाला बड़वानी में जो व्यायामशाला है वहाँ प्रशिक्षण जाया था बच्चों को कुश्ती खेल का। तो ये बच्चा क्या है कि 6 तारीख से 3-4 दिन के लिए रतलाम के पास शिवगढ़ में संभाग और ट्राइबल स्टेट का टूर्नामेंट वहाँ खेलने गया था क्रमांक 2 से स्कूली तरफ से। और वहाँ से आने के बाद इसको हमें पता चला कि इसको इसका नाम काट दिया गया, तो इसको 3 पीरियड तक धूप में बाहर खड़ा किया गया सर के तरफ से, वहाँ के जो इंचार्ज है प्रिंसिपल। आपके द्वारा क्या किया गया? तो हम लोग क्या है इस बच्चे को लेके आया, इसका जो मेडल वगैरह और यहाँ एसी साहब है जो अपने उनसे मुलाकात करके उनको जानकारी दी और उनको बताया कि बच्चे का सम्मान करने के बजाय जो अपने आदिवासी विभाग के लिए गोल्ड मेडल लेके आया उसका सम्मान करने के बजाय उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका स्कूल से नाम काट दिया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि खेल भावना जो कुश्ती पहलवानी जो करते बच्चा तो आहत हुआ है और हमें भी दुख हुआ है कि मतलब ऐसे बच्चे जो आगे फिर हम बच्चों को कैसे भेजेंगे, स्कूल से ही मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है उनको सम्मान करने के बजाय, तो आगे इनके साथी लोग और कैसे जाएंगे, वो तो जाने का भूल ही जाएंगे। और क्या है कि जो खेल विभाग के द्वारा फार्म कमेटी भेजा था उस फार्म पर साइन भी नहीं करके दिया, इसको मजबूरन संभाग जो टूर्नामेंट खेल के वापस बड़वानी आना पड़ा और फिर यहाँ से स्टेट के लिए फिर गया वो साइन करवा। और साइन करवाने में उन्होंने मतलब क्या है कि बड़ी मुश्किल से साइन किया, जैसे साइन करने में उनको काफ़ी कुछ पता नहीं क्या लग रहा था उनको। क्या चाहते हैं? हम इस हिसाब से मुलाकात में हमने ये मांग करी कि उनको उन पर उचित अनुसार कार्रवाई की जाए और इनको यहाँ से अन्यत्र कहीं और स्कूल भेजा जाए। मामला आया है पहलवान के साथ अभद्र व्यवहार करने का। आज ये जो अपने युवा खिलाड़ी हैं आयोजित आए थे ऑफिस में, इन्होंने ये मामला संज्ञान में लाया है कि ये खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये रतलाम गए हुए थे, इस बीच में इनको साला से कुछ परेशानी हुई है, तो एक वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, तो उसके लिए मैं विभाग की तरफ से उनको बधाई दूँ और जो उनके स्कूल में समस्या आ रही है उनका मैं निदान करूँगा वहाँ से चर्चा करके। और अन्य जो बजरंग व्यायामशाला के साथी लोग आए हैं तो ये लिखित में कंप्लेंट जो कर रहे हैं इसकी प्रॉपर में जाँच करा के फिर कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को